नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम है ओमपाल और आप देख रहे हैं स्पीक ब्रांड अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा इंश्योरेंस है। आप सभी को पता है मैं हूँ एजेंट, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ स्टडी इनएक्टिव हूँ, एक्टिव नहीं हूँ अभी। सो ये ज़रूरी नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते हुए आपको मैं बता रहा हूँ कि सच में कौन सा इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर एक एजेंट है तो आप ज़रूर एक ऐप इस्तेमाल करते होंगे जिसका नाम है ऑल इन वन कैलकुलेटर, जहाँ पर सारी पॉलिसीज अपडेटेड हैं। पॉलिसी को डालेंगे, उसमें ईयर्स डालेंगे तो आपको वहाँ पे बेनिफिट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम जब कस्टमर के सामने जाएंगे तो उसके लिए सबसे अच्छी पॉलिसी कौन सी हो सकती है। तो देखिए, पहली एक सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न हम लोग के माइंड में रहता है वो ये है कि अच्छी पॉलिसी कौन सी है। प्लस पॉइंट ये है कि सारी पॉलिसी अच्छी है। अगर LIC की बात की जाए तो LIC ने जितनी जितनी पॉलिसी अभी तक लॉन्च की है वो सारी पॉलिसी अच्छी है। क्यों? क्योंकि LIC ने भी लोगों की ज़रूरत को देखते हुए पॉलिसियों को लॉन्च किया है। रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं तो गरीब होंगे तो उनको कैसी पॉलिसी देनी होगी। सिटी एरिया में रहने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं या कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उनको किस हिसाब की पॉलिसीज देनी है, वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसियों को डेवलप किया गया है। तो सारी पॉलिसी अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है और सारी पॉलिसी अपने आप में अच्छी है, बशर्ते अकॉर्डिंग टू द कस्टमर कौन सी पॉलिसी कस्टमर को बेनिफिशियल हो सकती है, ये आपको उस समय पर देखना है। बात रहती है कि अगर अपने फायदे के लिए हमको देखना है, जैसे आप मान के चलिए आप एक एजेंट है, मैं भी एक एजेंट हूँ, मैं सोचूं कि यार मेरे को कमीशन बहुत ज़्यादा मिल जाए, अच्छा कमीशन किस पॉलिसी पे मिलता है। तो देखिए क्या है ना, अपने बेनिफिट के लिए हम अपना नुकसान कर लेते हैं। अब कैसे हम अपने बेनिफिट के लिए अपना नुकसान कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आपने सोचा कि आपके लिए एक बहुत बेहतर पॉलिसी है, मान के चलिए एक मनी बैक चैलेंज पॉलिसी है जो आपके लिए अच्छी पॉलिसी है। आपने उस पॉलिसी का प्लान उस कस्टमर को दे दिया, उसमें पैसा उसका ईयरली ज़्यादा था, क्वार्टरली ज़्यादा था, फिर जो है 6 मंथ का ज़्यादा था। तो अब क्या हुआ कि आपने उस समय तो कस्टमर को दे दिया और आपको क्या मिला, आपको वहाँ कमीशन मिली। मान के चलिए उस पॉलिसी से आपको पूरी जो पॉलिसी मेच्योरिटी का टाइम है उस पूरे टाइम में आपको मिलने वाले थे 10,000 रुपये एक पॉलिसी पे। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने जब उसको महंगी पॉलिसी दे दी जो कि वो डिपॉजिट नहीं कर पाया, तो उसने बीच में ही प्रीमियम डिपॉजिट नहीं किया और अपनी पॉलिसी बंद कर दी, तो आपको कितनी बार फायदा हुआ, मात्र वन टाइम में कितना 400-500 रुपये का फायदा हो गया, 1,000 रुपये का फायदा हो गया अधिक से अधिक एक पॉलिसी पे। बाकी आपके जो 9,000 थे उनका घाटा आपने खुद खा लिया। तो पॉलिसी कौन सी अच्छी है ये दोनों तरीके पे डिपेंड करता है कि क्या आप अपने अपने इनकम को बढ़ाने के लिए पॉलिसी देख करके देना चाहते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो धोखा खाएंगे, क्योंकि जब कस्टमर के पास उतना पैसा नहीं होगा तो वो प्रीमियम नहीं भरेगा, प्रीमियम नहीं भरेगा तो पॉलिसी बंद हो जाएगी, और एक बार पॉलिसी बंद हो गई तो उसमें प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगी, क्योंकि आपका जो बेस है, आपकी जो बैकग्राउंड से मनी आने वाली थी, जो आपका कमीशन आने वाला था, वो कमीशन भी आपका उस पॉलिसी से बंद हो जाता है। तो आप सोचिए आपको घाटा है या आप जितना सस्ता पॉलिसी देंगे अकॉर्डिंग टू कस्टमर, जो कस्टमर सस्ता है, जिस जो थोड़ा बहुत पैसा जमा कर सकता है तो वो उसको चलाएगा, और जब उसको चलाएगा तो हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा कमीशन आपको मिले लेकिन मिल जाएगा। तो इसलिए सारी पॉलिसी अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप पे वरी करता है कि आपको कौन सी पॉलिसी कस्टमर को देनी है, वो कस्टमर किस एरिया से। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारे ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन नहीं किया, 40 से 50 वीडियोस का हमारा ट्रेनिंग कोर्स है जो कि हमने लॉन्च कर दिया है। इतना अच्छा कोर्स है, उसमें हमने आपको कस्टमर को क्या समझाना है, खुद में क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या जो है हमें लर्निंग होनी चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, पैसा कैसे कमा सकते हैं एजेंट बन करके अन्य के ही तरीकों से, जैसे कमीशन आता है उसके अलावा कौन कौन से तरीके हैं, 5 तरीके ऐसे बताए जिससे आप एजेंट बन के पैसे कमा सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग में हमने प्रॉपरली एक एजेंट को पॉइंट बाय पॉइंट, यूनिट बाय यूनिट 40 से 50 वीडियोस में कवर किया है और सब कुछ हमने वहाँ पर बताया। और ट्रेनिंग का फीस मात्र पता है कितना, 119 यानी कि 119 रुपये। आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ा प्राइज नहीं है, बहुत छोटा प्राइज है, जिसमें आपको 40 से 50 वीडियोस का एक ट्रेनिंग कोर्स मिलेगा। उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया क्या कस्टमर को समझाना है, कैसे कस्टमर को समझाना है, क्या करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करने है खुद में, कैसे जो है प्लान्स को डेवलप करके समझाना है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो को देखिए कैसे ज्वाइन किया जाएगा। डेमो देखना है तो वीडियो में ट्रेनिंग का डेमो भी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। कोई प्रॉब्लम आती तो व्हाट्सएप नंबर दिया है मेरा, व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सारी पॉलिसी अपने आप पे बहुत अच्छी होती है। अकॉर्डिंग टू द कस्टमर यू हैव टू प्रोवाइड द पॉलिसी, एंड उस पॉलिसी पे आपको बेनिफिट होगा।